नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हिंदुओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का हमला बढ़ता जा रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां हिंदुओं को विशेष समुदाय के द्वारा निशाने पर लिया जाता है। पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां हिंदू शोभा यात्राओं पर पथराव किया गया है, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। इतना ही नहीं, रमजान के महीने में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को धमकाया भी गया है। अब ऐसी एक और घटना राजस्थान के अलवर से सामने आ रही है जहां एक हिंदू परिवार के घर पर आई बारात पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। हमले की वजह मस्जिद के आगे डीजे बजाना बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे बाइक टकराने से उठा विवाद भी मान रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार हमले में कई बाराती घायल हो गए जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिंदू परिवार के घर पथराव, मुस्लिम भीड़ ने बारात पर किया हमला, बारातियों को लाठी डंडों से पीटा, मस्जिद के सामने से गुजर रही थी बारात। पूरी घटना अलवर के थाना क्षेत्र नौगावा की है जहां बीते रविवार यानी कि 21 अप्रैल 2024 को रामदास नामक व्यक्ति अपने पोते की बारात लेकर आया था। इस दौरान दूल्हा अपनी बग्गी पर सवार था और बारात में लगातार डीजे बज रहा था। बारात लगातार आगे बढ़ रही थी और गांव के रास्ते होते हुए मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बाहर निकले और डीजे बंद करने को कहा, लेकिन बारातियों ने डीजे बंद करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इसी वाद विवाद के बाद अचानक बारातियों पर पत्थर चलने लगे। जब तक बाराती बचने के लिए कोई ठिकाना खोजते, उससे पहले ही एक भीड़ ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस भीड़ में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। इस हमले में पवन, किशनचंद, संदीप, सागर, राकेश, मनोज सहित लगभग 10 बाराती घायल हो गए। घायलों में 14 साल की एक बच्ची और महिलाएं भी शामिल हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल गांव में पहुंची। पुलिस को देखते ही हमलावर पहाड़ों में भाग गए। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं, जहां एक पक्ष मस्जिद के आगे डीजे बजाने पर खुद को हमले का शिकार बता रही है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे बाइक टकराने से उठा विवाद मान रही है। पुलिस दोनों पक्षों के बयानों के साथ हमले के असल कारणों की पड़ताल में जुटी है। अब तक कुल चार लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फरार आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पीड़ितों ने यह भी बताया कि बुजुर्गों से पैर भी पकड़वाए गए, महिलाओं से भी छेड़छाड़ की गई। पीड़ितों की मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि इस प्रकार की घटना कोई पहली बार नहीं है। अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं जहां कट्टरपंथियों द्वारा किसी ना किसी कारण से हिंदुओं को रडार पर लिया जाता है। ऐसा ही एक और मामला बीते साल राजस्थान के भरतपुर से सामने आया था, जहां राजस्थान के भरतपुर जिले में दलित समुदाय की एक शादी में मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद किए जाने की खबर सामने आई थी। बताया गया कि बारात निकासी दौरान गांव के सरपंच द्वारा बारातियों के साथ मारपीट की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार इस विवाद की शुरुआत बारात में डीजे बजाने को लेकर हुई थी। इस दौरान झगड़े में कुल 3 लोग घायल हो गए थे जिनका इलाज अस्पताल में कराया गया था। घायलों में एक पीड़ित की हालत गंभीर भी बताई गई थी। इतना ही नहीं, मुस्लिम हमलावरों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को पैरों से कुचलने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला कामा थाना क्षेत्र के गांव सबलाना का था, जहां घटना के दिन अनुसूचित जाति के मुकेश जाटव की बहन आरती की शादी थी। बारात बगल के जुरहारा थाना क्षेत्र के गांव नौनेरा से आई थी। मुकेश का आरोप था कि बाराती डीजे बजाते हुए उनके घर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान उसी सबलाना गांव के नदीम, सोहेल, मौसम, जमशेद, अफरोज, मुस्तकीन, सलमान, सब्बा, फैजान, मुल्ला और मुंतेव ने बारातियों से डीजे बंद करने को कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई। इसी दौरान आरोपित बारात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को देखकर भड़क गए और उसे नीचे फेंक कर उसे पैरों से कुचल डाला। मुकेश का आरोप था कि इसी बहस के बीच में आरोपितों ने बारातियों पर हमला बोल दिया। हमलावरों के हाथों में लाठी डंडों के अलावा फरसा जैसे धारदार हथियार भी बताए जा रहे थे। इस बीच हमलावरों ने दूल्हे के गले में पड़ी नोटों की माला भी छीन ली। बताया जा रहा है कि माला में कुल 11,000 रुपए के नोट थे। हमलावरों ने बीच बचाव करने आए मुकेश जाटव की जेब में रखे 32,000 रुपए भी छीन लिए।
पीड़ित मुकेश का आरोप है कि शोरगुल मचने के चलते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान हमलावर भाग निकले, जाते जाते उन्होंने पीड़ित से कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी। पीड़ितों का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपितों ने सोने के गहने भी लूट लिए। आरोप यह भी है कि इससे पहले भी गांव के दलितों को मुस्लिमों ने प्रताड़ित किया था। इसी के साथ हमलावरों ने दोबारा गांव में बारात चढ़ाने पर इसी तरह के अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। घटना में शिकायतकर्ता मुकेश जाटव को मिलाकर दलित समुदाय के कुल 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें नरेश नामक पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 341, 323, 336, 379, 506 और 504 के तहत SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया था। बता दें कि राजस्थान से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते 21 अप्रैल को एक और ऐसी ही घटना अलवर से सामने आई थी। राजस्थान के अलवर में दो धार्मिक समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर तेजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पुलिस ने रविवार को मुस्लिम समुदाय के कम 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर अलवर के नौगावा गांव से तब शुरू हुई जब हिंदू बारात मुस्लिम बहुल इलाके में से गुजर रही थी। SSP तेजपाल सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बारात में 100 से अधिक लोग शामिल थे। ये लोग शादी के जश्न में नकदी लुटा रहे थे। इस बीच एक बच्चा नकदी लेने गया तो किसी ने उसको धक्का दे दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों और बारातियों के बीच मौखिक वाद विवाद होने लगा। मौखिक नोकझोंक उस वक्त एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गई जब कुछ स्थानीय लोगों ने DJ बंद करवाने के लिए कहा। SSP तेजपाल सिंह ने कहा कि कुछ उपद्रवी तत्व लाठी डंडों के साथ झड़प में शामिल हो गए। दोनों गुट आपस में झगड़ने लगे। इस झड़प में कम से कम 8 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालत को संभाला। पुलिस टीम ने झड़प में घायल हुए 7 लोगों को नजदीकी अस्पताल भी पहुंचाया। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने बारातियों पर हमला करने के आरोप में लगभग 12 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 147, 148, 149, 323 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। आरोपियों की पहचान नजाकत, मुसर्रफ, अनवर, मुनासिफ और जाहिदा के रूप में की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के जलगांव से भी बीते साल सांप्रदायिक हिंसा की खबर आई थी, जो विवाद एक मस्जिद के आगे निकल रहे हिंदुओं के जुलूस में DJ की आवाज को लेकर शुरू हुई थी। कुछ ही देर में मामला हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान पत्थरबाजी की गई। घटना में कुछ लोग घायल हुए जिनका इलाज अस्पताल में कराया गया था। मामले में 2 FIR दर्ज की गई थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को आरोपित किया गया था। अब तक कुल 45 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर थी। घटना मंगलवार 28 मार्च 2023 की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला जलगांव के पालधी गांव का है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब हिंदू समाज का एक धार्मिक जुलूस गांव की मस्जिद के आगे से गुजर रहा था। इस जुलूस का नाम दिंडी था, जो नासिक जिले से निकलकर जलगांव के रास्ते होते हुए वाणी जा रहा था। बताया गया था कि इस जुलूस में DJ बज रहा था, जिसमें कुछ धार्मिक गाने बजाए जा रहे थे। इन गानों पर मस्जिद और आसपास के कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और इसे बंद करने को कहा। जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष ने थोड़े समय के लिए म्यूजिक बंद कर दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से म्यूजिक बजाने लगे। आरोप है कि इसके चलते कुछ लोग उग्र हो उठे। पहले तो दोनों पक्षों में बहस हुई और बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थर चलने लगे। इस घटना से आसपास अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो उसने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और हमलावरों को तितर बितर किया। पुलिस के अनुसार हालात पूरी तरह से नियंत्रण में थी। इस घटना में 4 लोग घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 2 FIR दर्ज की जा चुकी है। एक केस में हिंदू पक्ष के 9 लोगों को आरोपित किया गया है, वहीं दूसरी FIR में मुस्लिम पक्ष के 63 लोगों को नामजद किया गया है। अब तक कुल 45 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टीम, उत्तर प्रदेश।